वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। एक ही वर्ष में किए गए एक ही किस्म के 3 अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सकेगा। जब किसी व्यक्ति पर एक ही किस्म के ऐसे एक से अधिक अपराधों का अभियोग है जो उन अपराधों में से पहले अपराध से लेकर अंतिम अपराध तक 12 माह के अंदर ही किए गए हैं, चाहे वे एक ही व्यक्ति के बारे में किए गए हों या नहीं, तब उस पर उनमें से 3 से अनधिक कितने ही अपराधों के लिए एक ही विचारण आरोप लगाया और विचरण में किया जा सकता है। अपराध एक ही किस्म के तब होते हैं जब वे भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 या किसी विशेष या स्थानीय विधि के अधीन समान दंड से दंडनीय होते हैं, परंतु इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह समझा जा जाएगा कि भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 379 के अधीन दंडनीय अपराध उसी किस्म का अपराध है जिस किस्म का उक्त संहिता की धारा 380 के अधीन दंडनीय अपराध है, और भारतीय दंड संहिता या किसी विशेष या स्थानीय विधि की किसी धारा के अधीन दंडनीय अपराध उसी किस्म का अपराध है जिस किस्म का ऐसे अपराध करने का प्रयत्न है। जब ऐसा प्रयत्न अपराध हो, एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण यदि परस्पर संबद्ध ऐसे कार्यों के जिनसे एक ही संव्यवहार बनता है, एक क्रम में एक से अधिक अपराध एक ही व्यक्ति द्वारा किए गए हैं, तो ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए एक ही विचारण में उस पर आरोप लगाया जा सकता है और उसका विचारण किया जा सकता है। जब धारा 212 की उपधारा 2 में या धारा 219 की उपधारा 1 में उपबंधित रूप में आपराधिक न्यास भंग या बेईमानी से संपत्ति के दुर्विनियोग से एक या अधिक अपराधों से आरोपित किसी व्यक्ति पर उस अपराध या अपराधों के किए जाने को सुकर बनाने या छिपाने के प्रयोजन से लेखाओं के मिथ्याकरण के एक या अधिक अपराधों का अभियोग है, तब उस पर ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है और विचारण किया जा सकता है। यदि अभिकथित कार्यों से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की जिससे अपराध परिभाषित या दंडनीय हो, दो या अधिक पृथक परिभाषाओं में आने वाले अपराध बनते हैं, तो जिस व्यक्ति पर उन्हें करने का अभियोग है उस पर ऐसे अपराधों में से प्रत्येक के लिए एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है और विचारण किया जा सकता है। यदि कई कार्य जिनमें से एक से या अधिक एक से अधिक से स्वयं अपराध बनते हैं मिलकर भिन्न अपराध बनते हैं, तो ऐसे कार्यों से मिलकर बने अपराध के लिए ऐसे
कार्यों में से किसी एक या अधिक द्वारा बने किसी अपराध के लिए अंकित व्यक्ति पर एक ही विचारण में लगाया जा सकता है और विचारण किया जा सकता है। इस धारा की कोई बात भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 71 पर प्रकाश न डालेगी। स्टॉप।